प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने फतेहपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने फतेहपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानून लाए हैं और कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कृषि कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी दल अपनी सियासत को बचाने के लिए इन कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। चाहे खेतों में पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे और भूमि सुधार हो, केंद्रीय सरकार ने हर पक्ष पे, हर मौके पर किसान का पक्ष लिया। और जो तीन जो मौजूदा बिल हैं, जिसका देश में कहीं कहीं विरोध हो रहा है, और विरोध भी ज़्यादातर कहाँ हो रहा है, दिल्ली के आसपास और महाराष्ट्र में। मैं आपको, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कांग्रेस का और दलालों का बड़ा पुराना साथ रहा है, और बाकी सारी दुकानें बंद होने के बाद कांग्रेस के पास एक यही दुकान बची थी जो किसानों के नाम पर वो महाराष्ट्र में और पंजाब में चला रही थी। मोटे तौर पर पंजाब में आड़त का 6,000 करोड़ का कारोबार है एक साल का, और 7,500 करोड़ का कारोबार जो है वो महाराष्ट्र में है। और इन आड़त के कारोबार को मोटे तौर पर वहाँ के राजनीतिक दल, चाहे वो अकाली दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है ना है, इसमें उनकी भागीदारी है। इसीलिए पंजाब में और महाराष्ट्र में इस बंद का जो है, इस विरोध का जो है, असर देखा जा रहा है। पिछले मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसी बिल को लागू करने के लिए किसानों के साथ समझौता वादा किया था। 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल ने लोकसभा के पटल पर ये कहा था कि किसान को एपीएमसी से निजात मिलनी चाहिए। आज किसान डर रहा है कि एपीएमसी अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे हैं कि एपीएमसी लागू रहेगी, मंडियां चालू रहेंगी, लेकिन किसानों पे प्रतिबंध ख़त्म किया गया कि वो चाहें तो कहीं और भी जो अपना अनाज बेच सकते हैं। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।